हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिम्प्लीफाइड बाय ओ दिस इज विनोद कुमार गर्ग सो अगर आप पी ट्रिपल प्लस बी बोर्ड के द्वारा निकाली गई ड्राइवर की वैकेंसीज़ के लिए या फिर चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के द्वारा निकाली गई ड्राइवर और कंडक्टर की वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है कंप्लीट नोट्स आप परचेज कर सकते हैं तीन लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी और पंजाबी बहुत ही कम फीस पर आपको कंप्लीट नोट्स का जो पैकेज है वो मिल जाएगा तो आपको संपर्क करना होगा नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट पर तो कुछ डेमो क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की सो योर क्वेश्चन नंबर वन इज द वार्निंग साइंस शुड बी लोकेटेड ऑन एक्सप्रेस वे फॉर द प्लेन एंड रोलिंग टेरेन एट अ डिस्टेंस ऑफ कि जो प्लेन और रोलिंग अर्थ होती है रोड होती है उसके ऊपर अगर कोई एक्सप्रेस वे है तो वहाँ पे जो वार्निंग साइंस होते हैं जो चेतावनी चिन्ह होते हैं वो कितनी दूरी पे लगाने चाहिए तो आपके ऑप्शन है 150 मीटर 180 मीटर 200 मीटर या फिर 220 मीटर तो इसका राइट right आंसर आएगा 200 हंड्रेड मीटर्स तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज़ द परपज़ ऑफ़ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेटरी साइंस इज़ के जो सूचना प्रदान करने वाले चिन्ह होते हैं उनका मेन पर्पज़ क्या होता उनका है उनका उद्देश्य क्या होता है तो यहाँ पे ऑप्शन है टू मेक द ट्रेवल्स ट्रेवल सेफ कि जो आपकी यात्रा है उसको सुरक्षित बनाने के लिए दूसरा ऑप्शन है टू मेक द ट्रैवल प्लेजेंट तीसरा है टू मेक द ट्रैवल ईजियर एंड इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आल ऑफ़ दीज ओके आपकी जो यात्रा होती है उसको सुरक्षित बनाने के लिए उसको अच्छे बनाने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेटरी साइंस होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है ट्रैफिक साइन ओवरटेकिंग प्रोहबिटेड इज़ अ जो ओवरटेकिंग को रोकने के लिए चिन्ह होता है वो कौन से कैटेगरी में आता है ऑप्शन है मैंडेटरी साइन कॉशनरी साइन इन्फॉर्मेटरी साइन या फिर वार्निंग साइन तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मैंडेटरी साइन मतलब जो कंपलसरी होते हैं जिनको मानना बड़ा जरूरी होता है क्वेश्चन नंबर चार इन इंडिया एवरी ईयर फर्स्ट वीक ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज रोड सेफ्टी वीक किस मंथ में भारत में जो फर्स्ट वीक होता है किस मंथ का सेलिब्रेट किया जाता है मतलब मनाया जाता है एज अ सड़क सुरक्षा हफ्ता तो इसका आंसर आएगा जनवरी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स इन इंडिया भारत की सड़कों में सड़कों पे जो एक्सीडेंट्स जो दुर्घटनाएं होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है तो इसका आंसर आएगा स्पीड ओके okay? तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका है वेन आउट एट नाइट वट शुड यू बियर टू सीन ईजिली बाय द ट्रैफिक तो रात को बाहर जाते समय आपको आसानी से आप आवाजाही को देख सके जो आने जाने वाले व्हीकल्स होते हैं उनको देख सके तो इसीलिए आपको क्या पहनना चाहिए ठीक है तो इसका आंसर आएगा रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग जो आपके क्लोथ्स होते हैं वो लाइट को सामने से जो व्हीकल आ रहा है उसकी लाइट जब पड़ती है तो आपका जो क्लोथिंग है वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए क्वेश्चन नंबर सेवन इंडिया हैज़ डैश लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन वर्ल्ड संसार में भारत के पास सबसे बड़ा सड़की नेटवर्क जो है वो किस रैंक पे आता है तो इसका आंसर आएगा सेकंड। भारत में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे संसार में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की क्वेश्चन नंबर एट है सेतु भारतम प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन सेतु भारतम प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया कब शुरू किया गया तो इसका आंसर आएगा 2016। क्वेश्चन नंबर नाइन पायलट प्रोजेक्ट फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टम्स तो जो Uh, सड़की दुर्घटनाएं होती हैं उनमें जो पीड़ित होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है मतलब तो उनके इलाज के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसमें क्या क्या, क्या कैशलेस ट्रीटमेंट होता है दिस प्रोजेक्ट हैज़ ऑलरेडी डन इन स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे एट एंड नेशनल हाईवे थर्टी थ्री नाउ इट इज़ प्रपोज टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम अलॉन्ग द गोल्डन क्वाड्रीलेटर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोरस तो इस पॉइंट से आप आपको ये क्वेश्चन आ जा आ सकते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट में जो पीड़ित होते हैं उनके कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है वो कहाँ पे चलाया गया है तो आपका आंसर होना चाहिए एन ने, एच ने, हाईवे एट एंड नेशनल हाईवे थर्टी थ्री और अभी जो ये प्रोजेक्ट है ये सभी कॉरिडोर जो भी चारों दिशाओं में कॉरिडोर बने हुए हैं वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करने की योजना है तो क्वेश्चन नंबर टेन आपका है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है भारत में तो इसका आंसर आएगा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इज एन एच फोर्टी फोर ठीक है भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो एन एच फोर्टी फोर है सो so, ये थे टेन डेमो क्वेश्चंस तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स आप मेरे से परचेज कर सकते हैं आप, आपके एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए तो संपर्क करना है आपको नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट पे थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिए ओ सी डी सी एडू पॉइंट को और करे अपने मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का सपना साकार डाउनलोड दिया ऐप नाउ